नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बप्पा से दूरी क्या है मजबूरी। जी हां, गणेश चतुर्थी के दिन जहां बीजेपी ने अपने दफ्तर में गणपति की स्थापना की तो इसको लेकर कांग्रेस कंफ्यूज दिखी। पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हर साल गणेश जी की स्थापना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने PCC में आनन फानन में गणेश प्रतिमा की स्थापना कर दी। हालांकि अब तक इस देरी पर बीजेपी ने निशाना साधा कि कांग्रेस सनातन से अपने कटाव को मजबूर कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान गणपति की स्थापना को लेकर क्या कांग्रेस कंफ्यूज है? क्या उसे फिर से किसी विरोध का डर था? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। गणेश उत्सव पर सियासत, क्या कांग्रेस की बढ़ेगी आफत? मध्य प्रदेश की सियासत में श्री गणेश उत्सव को लेकर घमासान मच गया है। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी कार्यालय में भी VD शर्मा ने पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की स्थापना की, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से ही शांति दिखी। याद हो तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस कार्यालय में हर साल गणेश जी की स्थापना होगी और कमलनाथ ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस साल कोई ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। इस मामले में कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि जरूरी नहीं कि हर साल गणेश जी की स्थापना की जाए, ये व्यक्ति की आस्था का विषय है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसको कहां पर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। नहीं देखिए, जरूरी नहीं कि हर साल स्थापना की जाए। मैं अभी गणेश जी की स्थापना करके आ रहा हूँ। सारे लोग अपने अपने स्थानों पर गणेश जी की स्थापना करनी है। त्योहार व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। अब जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा और इस पर बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हुए तो कांग्रेस ने आनन फानन में कांग्रेस कार्यालय में गणेश जी की स्थापना करवा दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस को घेर चुकी थी। क्या कुछ बीजेपी ने कहा वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक उत्सव देखने को मिलता है, बकरा कटाव उत्सव। हमने देखा था कि पिछले बार बकरीद के अवसर पर कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बकरी लेकर के कार्यालय तक आ गए थे। यह नई कांग्रेस है जिस पर दिग्विजय सिंह जैसे पाकिस्तान प्रेमी लोगों का आधिपत्य है, जो पूरी तरीके से कांग्रेस को गजवाए हिंद की मानसिकता को पूर्ण करने के लिए संचालित कर रहे हैं। उस स्थिति में कांग्रेस में न गणेश उत्सव होगा, न वहां पर हनुमान जयंती मनाई जाएगी। जीतू पटवारी जी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा को समझते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो सनातन कटाव है उसको और मजबूत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव के वक्त तो कांग्रेस अपने कार्यालय को कभी भगवा रंग में रंग देती है तो कभी हनुमान चालीसा का पाठ करवाती है, तो फिर गणेश उत्सव को लेकर वो इतनी एक्टिव क्यों नहीं? शायद इसकी वजह ये तो नहीं कि कुछ साल पहले कांग्रेस कार्यालय में हनुमान जयंती मनाने पर विधायक आरिफ मसूद और कई नेताओं ने इसका विरोध जताया था और रमजान और ईद भी मनाने की मांग पार्टी के सामने रखी थी। खैर, वजह जो भी हो, कांग्रेस कार्यालय में गणेश जी की स्थापना में हुई देरी पर वो फंसती जरूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है तिवारी जी अनादि टीवी में। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो वैसे जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि धर्म तो आस्था का विषय है, निश्चित तौर पर है, किसको क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए वे व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन जब पार्टी खुद कहे कि हम हर त्यौहार मनाएंगे, जब चुनाव के समय उनके नेता कोई राम भक्त हो जाए, कोई शिव भक्त हो जाए, कोई जनेऊ पहन कर घूमता नजर आए, कोई मंदिरों में जल चढ़ाता दिखे, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। और अगर फिर ऐसा ही है तो फिर क्यों कुछ घंटे बाद गणेश प्रतिमा की स्थापना करने कांग्रेस की मजबूरी बन गई? मनोज जी, आप कांग्रेस के चरित्र से वाकिफ होंगे। कारण यह है कि औपचारिकता करना कांग्रेस की वो बन गई, परंपरा बन गई। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के समय में जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको कैसे लुभाया जाए, उनको अपनी तरफ कैसे खींच जाए, तो आस्था के प्रति इनकी वो बढ़ जाती है। लेकिन जब परंपरा की बात आती है, गणेश उत्सव का मामला हो चाहे हनुमान जयंती का मामला हो, तब फिर उस स्थिति में अगर चुनाव नहीं है और इनके उस तरीके का मानसिकता नहीं है तो ये किसी दूसरे वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आप देखें तो जब भी इनको त्योहारों का मामला होता है उस समय ये कहीं ना कहीं इससे कन्नी काट लेते हैं और फिर एक दिखावापन रहता है। तो कांग्रेस में हमेशा से लगातार ये दिखावापन रहा है
और ये निश्चित तौर पर है आपकी, आप जो बहुसंख्यक है उनको कहीं ना कहीं उनसे ये मामले से डर, अल्पसंख्यक से डर करके ये व्यवस्थाएं ये नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है ये हमसे कट न जाए, ये कट्टर हिंदुत्व की हमको भी उसी रेखा में रूपरेखा में तय कर ले। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इससे सबक लेना चाहिए। जो बहुसंख्यक है कांग्रेस साथ पहले भी रहे अभी भी है, ये वोट की राजनीति अब इसमें नहीं करनी चाहिए, इसमें ये करना चाहिए आस्था का विषय बनाना चाहिए। और जब आस्था का विषय पहले भी रहा है, कमलनाथ जी ने पहले कहा कि हमारा ये आस्था का विषय है, हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, हम भी राम को मानते हैं। तो राम को जब मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये इतनी बड़ी कार्यालय है आपकी, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी पार्टी है, तो आपको इससे परहेज फिर क्यों? आप किसी के कहने पे ही आप भगवान की मूर्तियों को रखेंगे, गणेश चतुर्थी में गणेश की मूर्ति का वो अनावरण करेंगे, फिर हनुमान जयंती में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इससे अब कांग्रेस को समझने की जरूरत है। लोग धीरे धीरे कांग्रेस इसी वजह से कटते जा रहे हैं कि जो कांग्रेस की मंशा है वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुंठित है, और इसी वजह से लोग जो हिंदू है एक बड़ा वर्ग है जो उससे कटता चला जा रहा है। जी तो प्रभु जी, वर्ग तो कटता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर स्थापित करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ये सवाल बार बार उठता है। और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ही नहीं की, ऐसा नहीं कि किसी और को दोष दिया जाए, क्योंकि किसी ने कोई जबरदस्ती तो की नहीं थी, लेकिन अरुण यादव ने एक परंपरा शुरू की जो कमलनाथ तक पिछले साल तक चलती रही, यहाँ तक कि जब चुनाव के पहले ही जब गणेश स्थापना हुई थी तो एक जनाक्रोश जो नाम दिया गया था उसमें कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता, वो गणेश मंदिरों से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और अब शायद चुनाव निपट गए और कांग्रेस भी निपट गई, इसलिए इससे किनारा कर लिया। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो कांग्रेस को अपना चरित्र को समझना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बाइट देते हैं और जिनने ये जो कहते हैं कि जिसको मनाना है अपने घर में मनाए, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरीके की बातें करने वालों को ये समझना होगा कि कांग्रेस है क्या और कांग्रेस का इतिहास क्या है। बिल्कुल, भारत में गणेश स्थापना की जो परंपरा है, जिस तरीके से सार्वजनिक गणेश जो स्थापना की जो परंपरा, गणेश तो वैसे हर पूजा के पहले ही स्थापित होते हैं, ये परंपरा शुरू की थी कांग्रेस ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है आज़ादी के आंदोलन में लोगों को एकजुट करने, जब अंग्रेजों ने उस समय पाबंदी लगाई कि लोग भीड़ इकट्ठी ना हो, तो उनने उसके लिए ये एक उपाय निकाला कि गणेश पंडाल बने, वहाँ पर जो है 10 दिन तक लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो अपनी पूजा पाठ करते थे, अपना समागम करते थे और अपनी राजनीतिक तैयारियाँ भी करते थे, उस जमाने की जो कांग्रेस की तैयारियाँ होती थी, और उससे ये शुरू हुआ जिसमें लोगों को जोड़ते चले गए। वो आज़ादी का आंदोलन में एक बड़ी भूमिका, यदि कहें तो गणेश उत्सव की बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को जोड़ने के लिए। कांग्रेस धीरे धीरे जो है आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि उनका चरित्र धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमने बना के दिया है, हमारी सरकार रही, हमारी सरकार में संविधान आया है, संविधान के जो निर्माता जिनको कहा जाता है, जितने भी लोग थे 2,500 लोगों ने उस पर पार्टिसिपेट किया, उसमें ज़्यादातर कांग्रेस के पार्टी के नेता रहे या उसकी विचारधारा के लोग रहे, तो उनने धीरे धीरे अपने आप को धर्मनिरपेक्ष चरित्र में ढाल लिया, उन्हें सबसे अपने आप को दूर कर लिया। देश का संविधान भी यही कहता है कि राजनीति में, चुनावी राजनीति में खासकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए धर्म का। अब कांग्रेस को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसके बाद आई, भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापित हुई है हम बोले तो हमेशा वो जो है ये ऐसे उत्सव मनाती रही है लोगों को जोड़ने के लिए। जो बाल गंगाधर तिलक की जो परंपरा थी उसको बीजेपी ने इस तरीके से अपनाया, वो हर आयोजन करके गणेश जी के साथ राम कृष्ण जी, तो वो जो है इस तरीके से वो अपने आयोजन करती रही। कांग्रेस से जो पीछे छूट गया था उसको फिर पकड़ने की कोशिश कांग्रेस ने बीच में की, कई जगह की, मध्य प्रदेश में ही नहीं और भी जगह पर ऐसे काम किए उन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें अंतर्विरोध उनका चूंकि दिख ही रहा है, उनको अपनी परंपरा का ही ज्ञान नहीं, अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो कोई भी नेता कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ भी कर लेता है। अब गणेश स्थापना हो रही है तो फिर आप वहाँ बकरीद मनाने की भी बात बीच में आई थी कि बकरीद भी वहाँ पर मनाई जाए एक बार, तो निश्चित तौर पर अभी देखिए बीजेपी प्रवक्ता जो बता रहे थे लोग बकरा लेके भी पहुँच गए थे वहाँ पर। तो इस तरीके के जो हरकतें जो कांग्रेस में होती हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ ज़्यादा गिराती हैं। उनको परंपरा है या उनको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, ढोंग मत कीजिए कि पहले आपके नेता कहते हैं कि हम गणेश स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है और फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ गलत हो गया तो आप गणेश स्थापित कर देते हैं। पहले आप PCC में बोर्ड लगा देते हैं कि जो है इतवार के दिन अवकाश रहेगा, कोई अपने काम से ना आए, फिर आपको लगता है नहीं गलत हो गया तो आप उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके का जो कांग्रेस का जो आगे पीछे बढ़ने का जो चरित्र है कि आप आगे बढ़ रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, अपने आप को पलट रहे, तो कहीं ना कहीं इसको उनको देखना होगा। पहले तो अपने नेताओं को, कांग्रेस को ही अपना इतिहास पढ़ाना होगा कि वो जाने कि आखिर कांग्रेस है क्या, इस देश में कांग्रेस का योगदान क्या है,
इस देश की संस्कृति में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, उसके बाद फिर उस तरीके का बयान दें, उस तरीके की हरकतें करें, वैसी कृत्य करें, तो समझ में आए कि भाई हाँ ये कुछ वो परंपरा से कर रहे हैं, या उनके प्रदेश अध्यक्ष कह दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दें कि कांग्रेस कार्यालयों में गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाएगी, तो आदेश हो गया नहीं मनाई जाएगी। यदि वो कहें मनाई जाएगी तो आप मनाना शुरू कर दीजिए, और यदि वो ऐसा नहीं कहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं मनाए चाहे नहीं मनाए, तो उसको लेकर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और कम से कम अपने इतिहास के ज्ञान तो कांग्रेस के नेताओं को होना चाहिए। तो ब्रजेश जी, इतिहास का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन पिछली बार हम देखते हैं कि कमलनाथ या अरुण यादव वो खुद सहभागी होते थे इस प्रकार के आयोजन में जब स्थापना होती थी। आज जब आनन फानन में किया तो दो तीन बड़े नेता को छोड़ दें, अगर राजीव सिंह को अगर बात कर लें या अशोक सिंह की बात कर लें, दिग्विजय सिंह खुद भोपाल में थे, वो वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो पीसीसी नहीं आते हैं गणेश स्थापना के अवसर पर। तो ये जो दूरी हैगी, और उनके जो विधायक हैं वो आरिफ मसूद, वो अपने वोट बैंक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर चले जाते हैं, लेकिन पीसीसी में गणेश स्थापना का विरोध करने लगते हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए मनोज जी, जो प्रभु जी ने कहा है कि कांग्रेस को अपना इतिहास समझना चाहिए, और कांग्रेस मुझे लगता है दिग्भ्रमित टाइप की है। अब आपने कहा कि दिग्विजय सिंह क्यों नहीं है, बाकी नेता, जब आप अचानक करोगे, जब आपको लगता है कि मामला तूल पकड़ रहा है, पहले से कोई आपकी तैयारी नहीं थी, वो तो वैसे भी सैटरडे संडे छुट्टी मनाने वाले लोग हैं, तो जो पीसीसी में रहेंगे वही तो वहाँ पर आनंद फानंद में मौजूद हो पाएंगे, राजीव सिंह वहीं बैठे रहते हैं, अशोक सिंह वहीं रहते हैं, तो वो आ गए, उन्होंने स्थापना करवा दी, जो वहाँ कार्यकर्ता थे, नेता थे, देखिए आप प्रवक्ता भी नहीं है ज़्यादातर संख्या में, जो तस्वीरें सामने आई हैं बिल्कुल, तो आप देखिए जो मौजूद थे उनसे करा ली उन्होंने, वो भी इस वजह से कि मामला तूल पकड़ गया था कि आप क्यों नहीं बिठा रहे, उन्हीं के प्रवक्ता ने कहा है, हमने तो नहीं कहा, उन्हीं के प्रवक्ता ने कहा कि ये तो अपनी अपनी आस्था के विषय, मैं भी अपने घर बैठा के आया हूँ, जिसको जहाँ बैठाना हो, तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे बीजेपी तो हर बार बिठाती है, आपने शुरुआत की थी 2014 से अरुण यादव ने, और आपने उसको ने तो सवाल भी नहीं पूछा, सवाल भी नहीं पूछा, बैठा रहे हो कि नहीं, तो भाई आपसे सवाल किया तो आपने कहा कि नहीं ये तो आस्था का विषय है, तो अब आस्था का विषय है तब उनको कहीं लगा होगा कि नहीं हम लगातार बैठाते आ रहे थे, उससे पहले वो कह रहे थे कि 5 साल हो गए 7 साल हो गए, अब जरूरत नहीं है, यही परंपरा है कि या तो 5 साल बैठाओ आप एक ही स्थान पर, या 7 साल बैठाओ, यह 9 साल बिठाओ, या 11 साल, 21 साल, तो ये परंपरा है, वो नहीं मानना चाह रहे थे, लेकिन तब वो नेताओं के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा भाई बैठाएंगे, तत्काल में आनंद फानंद में बैठा लिया। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं आए? दिग्विजय सिंह तो कहते हैं कि साहब जब थाने में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है तो वो तो कहते हैं कि थाने में ईद भी मनाई जानी चाहिए, रमजान भी मनाया जाना चाहिए, गुरु नानक की जयंती भी मनाना चाहिए, आवेदन देते हैं, तो भैया फिर मनाना है। फिर कांग्रेस कार्यालय में भी क्या बुराई है? कांग्रेस कार्यालय तो धर्मनिरपेक्ष, कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है ना, तो आप मनाइए वहाँ, रमजान भी मनाइए, यही तो बात आरिफ मसूद कहते हैं। आरिफ मसूद अपने नए शहर में जो वोट बैंक है उनको साधने के लिए मंदिरों में जाते हैं निश्चित तौर पर, और भी जो हिंदू धर्म के तीज त्यौहार होते हैं उनमें जाते हैं, और विवाद भी हुआ था, महिलाओं को एक त्यौहार में पहुंच गए थे वो, आप देखिए कि उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, करवा चौथ में पहुंच गए, करवा चौथ में, वही मैं जिक्र कर रहा था। तो आप देखिए कि जब वो गणेश उत्सव मनाते हैं कांग्रेस में, यदि रामनवमी पे या फिर हनुमान जयंती पे कमलनाथ आदेश देते हैं कि तमाम जिलों में एक कार्यक्रम करने हैं, तब वो आपत्ति उठाते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति है मनोज जी, वोट के ही लिए वहाँ पे गणेश जी की स्थापना की गई है, वोट के ही लिए जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आरिफ मसूद को लगता है कि मेरा वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके वो रहनुमा बनना चाहते हैं, जिनके नेता बनना चाहते हैं, तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं, दो नाव पर सवार हो। कांग्रेस को लगता है कि हमारा बहुसंख्यक वोट ना कट जाए, तो वो स्थापना करने लगे हैं। बाकायदा पहली बार जब स्थापना हुई थी मनोज जी, तब अरुण यादव ने जिलाध्यक्षों को लिखा था कार्यालय में मनाना, उसी तरह से आपको याद होगा कि जब हनुमान जयंती आई तो कमलनाथ ने भी वैसे ही निर्देश दिए थे, रामनवमी आई तो वैसे ही निर्देश दिए थे जिला कार्यालय में मनाने के, तो कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई थी, लेकिन बड़े धूमधाम से मनाया था क्योंकि चुनाव था उस समय, पीसीसी की बिल्डिंग तक पे हमने देखा था भगवान ने कर दिया। सवाल ये कि अगर दिग्भ्रमित है तो या तो एक ही रास्ता चुन लेना कि करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। ये जो असमंजस की स्थिति है कि कभी इस नाव पे पैर रखना, कभी इस नाव पे पैर रखना, और कभी दोनों नाव पे पैर रखने के चक्कर में हास्य का शिकार हो जाती कांग्रेस। मनोज जी, कांग्रेस जो है वो सरकारी स्कूलों जैसी हो गई है, कारण यह है कि छात्र भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है, और दूसरी बात यह हो गई है कि वहां आदेश जारी करने का वेट करते हैं, और बिल्डिंग जब ऊपर से निर्देश होगा बिल्कुल जब ऊपर से निर्देश होगा तभी हम किसी व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बाहर निकलना इसलिए जरूरी है कि अगर ये बाहर नहीं निकले तो ये धीरे धीरे जो चुने वाली प्रक्रिया है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग ढह जाएगी और उसको बनाने के प्रयास में नहीं है। ये जैसे आप ये कह रहे हैं गणेश प्रतिमा, गणेश प्रतिमा जब आस्था का विषय था पहले भी मालूम था, कई बार हो चुका है,
और प्रभु जी ने एक अच्छी बात करी कि कांग्रेस ने इसकी पहल की थी, तो हम ये मानते हैं कि जब कांग्रेस ने ही जोड़ने की पहल की इसके माध्यम से, तो गणेश प्रतिमा लगाने में क्या आपत्ति है? मुझे लगता है कि इनमें किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं थी, जो वहां पदाधिकारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से हमेशा नियम का पालन होता था उसी तरह से गणेश प्रतिमा रखाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको ईद में जाने की जरूरत है, ये बकरीद में चले जाएंगे, लेकिन गणेश प्रतिमा की बात आएगी, हनुमान जयंती की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें तर्क और कुतर्क की बात आने लगती। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते हैं कि थानों में अगर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो और भी कई सारे कार्य हो सकते हैं, उसके लिए भी आवेदन। तो मुझे लगता है कि सब चीजों से कांग्रेस को ऊपर कोई इतनी पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस इसके बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस स्थिति में चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी कारण से जो 28 सीटें हैं वो बीजेपी के झोले में चली गई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी थी, आस्था में ठेस था लोगों के, और लोग ये समझने लगे हैं कि कांग्रेस अब इन सब चीजों से खिलवाड़ कर रही है, हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रही है। मन में इनके धर्मनिरपेक्ष की बात ये जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में ये नहीं है। तो अब इस सब चीजों को जो पुराने लोग हैं, जो कांग्रेस की नींव रखने वाले लोग हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं, इनको विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे कार्यकर्ता भी दूर हो जाएगा। कारण ये है कि कार्यकर्ता भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आस्था से जुड़ा हुआ है, वो भी गणेश जी को मानता है, वो भी हनुमान जी को मानता है। तो मुझे लगता है कि अगर उनकी आस्था में आप ठेस पहुंचाओगे तो निश्चित तौर पर सुलोक कट जाएंगे और आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो वो बिल्डिंग को बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें करनी पड़ेगी। जी, और अभी तो जितने छोड़ के गए मनोज जी, वो राम मंदिर के बहाने से ही गए हैं कि भाई। तो प्रभु जी, सवाल इसका नहीं कि गणेश चतुर्थी मना रहे कि नहीं मना रहे। राम मंदिर के चंदे की बात होती तो सवाल उठाए जाते हैं, इसके बाद कांग्रेस के आधे नेता खुद चंदा करने निकल जाते हैं। भोपाल में पीसी शर्मा को हमने देखा, अरुण यादव को देखा, सचिन यादव को देखा। जन्माष्टमी पर सार्वजनिक स्थानों पर मनाने का होता है कि स्कूलों में मनाई जाएगी, सरकारी खर्चे मनाई जाएगी, तो कांग्रेस उसके विरोध में उतर आती है। और अब गणेश जी का मामला, तो या तो एकदम चुप्पी साध ले, या खुल के विरोध में आ जाए, या नहीं आ जाए, तो एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा ना कम से कम। इसीलिए तो शायद बीजेपी बार बार कहती है कि ये चुनावी हिंदू हैं, कि चुनाव आता है तो हिंदू हो जाते हैं, और नहीं तो इसके बाद ये हिंदुओं की ना परंपराओं की चिंता करते हैं ना आस्थाओं की। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, उनका कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं है, वो जो कुछ भी लिया है उनने कम्युनिस्टों से लिया है। तो लगभग वही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं ब्राह्मण, जो घर में तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन बाहर निकलते हैं तो तिलक पोंछ कर निकलते थे, कि उनको लगता था कि वो जो है पार्टी की विचारधारा से गलत संदेश जाएगा। वही हाल यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का। दिग्विजय सिंह खुद अपने आप को जो है भगवान का भक्त बताते हैं, वो अपने मंदिरों का जिक्र करते हैं। उनके यहाँ राघव जी का मंदिर है, मंदिर है उनके किले में, बकायदा पूजा पाठ भी होते हैं, तमाम धार्मिक आयोजन वो करते हैं, नर्मदा परिक्रमा करते हैं की है उनने। और दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जिनने राम मंदिर में चंदा दिया है स्वेच्छा से, उनसे कोई मांगने नहीं किया था, उन्होंने स्वेच्छा से चंदा दिया है, लेकिन उसका प्रचार भी उन्होंने किया कि मैंने चंदा दिया है। लेकिन सवाल उठाने के बारे में वो फिर वो मत पे आते हैं कि जो एक देश में बन गया है, यदि आप सत्ता में नहीं है विपक्ष में, तो आप ये कहते हैं कि आपको जनता ने विरोध करने का मैंडेट दिया है। अब जनता ने आपको विरोध करने का मैंडेट दिया तो आप हर चीज़ का विरोध करते हैं। अब हो सकता है कल के दिन जो नई पीढ़ी आए विपक्ष की, वो ये कहे कि भाई सूरज पूरब से क्यों निकलता है, हम इसका भी विरोध करते हैं, सूरज को पश्चिम से निकलना चाहिए। तो इस तरीके की जो मानसिकता है कि सच को सच ना मानना, सच को गलत कहना, क्योंकि आप उस पाले में नहीं खड़े हैं, और उस पाले में नहीं खड़े हैं तो गलत को भी सच कहना क्योंकि आप वहाँ पर नहीं हैं। तो इस तरीके की जो मानसिकता, ये छोड़नी होगी राजनीतिक दलों को। आज देश की जनता अनपढ़ गंवार नहीं रही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो अब देखिए, वो हर व्यक्ति हर चुनाव में अपने आप को वजू साबित करती है जनता। बिल्कुल, उसका वोट बैंक क्या है, वो किस तरीके से वोट करती है, कैसे वो सरकार चुनती है, वो किसी को भी खुला नकेल डालना आता है। बिल्कुल, किसी को भी एकदम तानाशाही तरीके से बहुमत नहीं देती है, वो बराबरी से कंट्रोल करना उसको आता है। तो उस तरीके का जब देश है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, देश की मानसिकता को समझना होगा, और नेताओं को अपने आप में सुधार लाना होगा कि वो सिर्फ राजनीति करें, उसको धर्म से ना जोड़ें। यदि धर्म से जोड़ते हैं तो केवल धर्म तक रहें, फिर उसको स्वीकार करें। ये नहीं कि आप घर के अंदर तो आपने गणेश जी बैठा लिए हैं और बाहर गणेश कहें कि नहीं गणेश प्रतिमा कहीं बैठानी नहीं चाहिए सार्वजनिक स्थानों पे। तो इस तरीके का जो आपने जिक्र किया कि बाहर आप टीका पहुंच रहे, और जरूरत पड़ने पर जो सावरकर ने कहा था कि आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहन लेते। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही स्थिति है मनोज जी। तो इसको ये इस मानसिकता को बदलना होगा। यदि आप जनेऊ पहने तो जनेऊ का संस्कार निभाइए, केवल चुनाव के वक्त कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर मत निकलिए। आप कहिए कि आप जनेऊधारी हैं, जनेऊ पहनना कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेताओं की पीढ़ी रही है, कई पीढ़ियों से लोगों ने जनेऊ पहना है, तो उसमें क्या शर्म की बात है। यदि जनेऊधारी हैं आप,
यदि आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो उसमें क्या शर्म की बात है कि आप जनेऊ नहीं पहनते हैं, ये तो उसके लिए आपको ये नकली जनेऊ धारण करना पड़े। तो इस तरीके की स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, वोट का प्रहसन नहीं होना चाहिए। जनता से आप सीधे जुड़ेंगे तो जनता आपसे जुड़ेगी, जनता आपकी भावनाओं को समझेगी, आपके नीतियों को समझेगी और फिर उसके तरफ से आपकी तरफ झुकाव होगा। नहीं तो ये तो चुनावी फसल काटने के लिए आप आए तो बयान कुछ और दे रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो ये स्थितियां मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बहुत दिन तक चलने वाली। बिल्कुल, लेकिन विजय जी संकट ये भी है ना कांग्रेस में, कई बार होता है कि एक अध्यक्ष आता है तो वो एक अपनी नई चीज़ लेके आता है, नई सोच के साथ आता है, वो पुराने वाले को सफा करता जाता है। इसमें भी ऐसा होता नजर आ रहा है क्योंकि जीतू पटवारी जब बने हैं उसके बाद से पहला शायद मौका है, एक जन्माष्टमी पर उन्होंने अवसर गवा दिया था और अब दूसरा गणेश उत्सव पर। देखिए ये बात भी वहीं से शुरू होती है जो प्रभु जी ने कहा, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है मनोज जी, वहाँ पे नेता आधारित पार्टी है, वो इसी नेता का जलवा चलता है, जो नेता आ गए वो अपने हिसाब से पीसीसी को चलाने लगता है। आप देखिए अरुण यादव आए तो वो अपने हिसाब से चलाएं, कमलनाथ आए तो वो अपने हिसाब से चलाएं, पदाधिकारियों की नियुक्ति से लेकर पीसीसी कैसे काम करेगी, चाहे सुरेश पचौरी का दौर हो, चाहे वो कमलनाथ का दौर हो, चाहे दिग्विजय सिंह का दौर हो। आप देखिए दिग्विजय सिंह के बाद जब सरकार में वो रहते हैं तब सरकार चलाती थी पीसीसी, चाहे राधाकृष्ण मालवीय हो, चाहे जो भी अध्यक्ष बना हुआ तो किस तरह से चलती थी। तो नेता चलाते हैं पीसीसी को और नेता ही अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो निर्णय लेना हो, आज की तारीख में देखिए आप, क्या जीतू पटवारी को कोई बता रहा है या आला कमान की कोई गाइडलाइन है कि आपको इस पर बात करना है? वो तो कहते हैं हमारे यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र है, जिसके नेता में जो आएगा बोलने को आएगा मन में वो बोल देता है, इसको आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि आप लगाम नहीं कस पा रहे हैं, आपने अनुशासन में किसी को बांधा नहीं, क्योंकि आपने अपना एक संविधान जो बनाया था उसका पालन नहीं कर रहे, जो परंपराएं थी आप भूल गए, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे अब आप धर्म की बात करने लगे। वही दिग्विजय सिंह की हम बात करें, वो कहते थे राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो धार्मिक बातें करते हैं। तो आप देखिए जब आपको सुविधा लगती है उस हिसाब से आप अपने बयान देते हैं, उस हिसाब से आप काम करने लगते हैं। तो यही जो सुविधाभोगी राजनीति है यही मुझे लगता है कि नुकसानदायक है और नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस को। तो इससे वो अपनी एक लाइन लेकर चलेंगे तो उन पर अविश्वास भी नहीं होगा, वो उनको कोई ये नहीं कहेगा कि आप कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन ले, क्योंकि आप सुविधा के अनुसार चल रहे हैं ना। जब आपको जरूरत होती तो आप मंदिर पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं साहब तो धर्म पर सवाल उठाने लगते हैं, आप भगवा आतंकवाद कहने लगते हैं। तो जो दोनों आपकी सवारी है, जो दोधारी तलवार है, वो उसी को नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस को। कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष की राय पर चल रहे हैं तो कोई उनसे सवाल ही नहीं पूछेगा। यदि एक गणेश प्रतिमा आपने बिठा लिए फिर अगली बार नहीं बिठाओगे तो सवाल उठेंगे ही, और जब आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो दूसरे नहीं उठाओ, लेकिन जो आप तर्क दे रहे हो ना सवाल उस पर उठ रहा है, आपको बिठाना नहीं बिठाना अलग सब विषय था। आपको एक लाइन तय करना पड़ेगी, मुझे लगता है पार्टी को इस पर अपना एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, ये पार्टी की गाइडलाइन बना दे, यदि आप उसका पालन करने लगेंगे तो मुझे लगता है कुछ दिन सवाल उठेंगे इसके बाद ठप हो जाएंगे। तो इतना ही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं गणेश, तो शायद नेताओं को बुद्धि दे दें तो इस उहापोह से वो निकल सके। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो निश्चित तौर पर राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक लाइन आप ले रहे हैं तो फिर ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी दिशा और दशा क्या है। और सवाल ये भी है कि अगर आप कोई त्यौहार मनाना शुरू कर रहे हैं और मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं ये आपके विवेक के ऊपर है, लेकिन आप जब उस पर तर्क देने लगते हैं, कारण बताने लगते हैं, तो सवाल तो फिर पूछे ही जाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।